Panda. I got broads in Atlanta. Switch to the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अंकुश गेमिंग में। तो गाइस कमेंट आ रहे थे कि M1040 और M8087 के ऊपर, मतलब कौन सी गन बेस्ट इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे आ चुका है वीडियो और देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ पे दोनों गन को ट्रेनिंग मोड में चला रहा हूँ। और गाइस मैंने जो चलाने के बाद एक्सपीरियंस किया आपको बताऊंगा गाइस। और इस तरह किससे आप वन टैप मार सकते हो उसकी भी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो गाइस, मैं फटाफट गन स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे जस्ट लाइक देख सकते हो यहाँ पे रिलोड इसका बहुत स्लो है M1040 का। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस M8087 सही चल रही है और यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब मैं ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो और मेरी पिछली वीडियो जाके देखो। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे सेट कर दो। और देखो गाइस मैं यहाँ पे ट्रेनिंग मोड में आ चुका हूँ और यहाँ से गाइस बहुत मिस होता है, मतलब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ही बताना कौन सी गन बेस्ट है, किस गन से आप मतलब खेलना पसंद करोगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे चलाया है खुद ही और देख सकते हो एक्सपीरियंस मेरा। यहाँ पे देखो पार्ट खत्म। तो गाइस ये दो गोली वाली का रेंज भी काफ़ी अच्छा है एंड एक्यूरेसी भी, रिलोड स्पीड भी, सब कुछ अच्छी है। बस मैगजीन कम है, जो कि मैंने आपको मतलब बताया है इसकी, बस आपको ही पता है दो गोली है इसमें, मैगजीन इसकी कम है और डैमेज भी सेम है एज वेल एज M1040। और इसका तो अदरवाइज एक्यूरेसी उससे अच्छा है और रिलोड स्पीड भी देखा जाए तो उससे अच्छा है। बस ये भी दो मायने में उससे पीछे है, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे मैं दोनों गन चला रहा हूँ और जब आप M1040 लेके भागते हो ना, एक और बात आपको बता दूँ तो आपका मतलब मोमेंट स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं M8087 लेके अगर आप भागोगे तो वो हल्की गन है क्योंकि उसमें दो एमओ है एंड छोटे भी है लाइक M1040। और M1040 अगर मैं लेके भागता हूँ तो यहाँ पे मेरी मोमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके लिए मैं गाइस एक स्किल यूज़ करता हूँ आपको, मैं यहाँ पे आज मैं पॉइंट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊँगा गाइस। यहाँ पे मतलब जो बता रहा हूँ आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप समझ लो। यहाँ पे जो अगर आप जैसे ये शॉर्ट गन यूज़ करते हो दोनों में से कोई या स्पेस ट्यूल जो भी, तो इसमें आपको एक स्किल यूज़ करनी पड़ेगी जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसकी वजह से देखो गाइस मेरा मूवमेंट फास्ट हो रहा है और देख सकते हो यहाँ पे मैं M1040 से मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ उसका रेंज भी कम है और यहाँ पे ख़त्म हेड भी इसे पकड़ ले रहा है बहुत ही अच्छे से, बट उससे जल्दी आपको हेड मतलब आप मार ही नहीं पाओगे। और गाइस पहले मैंने जंप एंड शूट की प्रैक्टिस की थी उस गन से, लेकिन बिकॉज इस टाइम ड्रैग चल रहा है और वन टैप चल रहा है तो मैं उसकी प्रैक्टिस के चक्कर में मतलब वो प्रैक्टिस जंप एंड शूट की भूल चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया जंप एंड शूट छोड़े हुए। तो मतलब वो तो ट्रिक बेकार हो गई गाइस, उसके ऊपर अब कुछ नहीं, अब ड्रैग है और वन टैप चल रहा है उसी के ऊपर मतलब ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरे पास आलोक नहीं था, नहीं तो मेरी मूवमेंट स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाती। और गाइस आपके पास अगर आलोक नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मतलब मैं उसकी गिव अवे कराने वाला हूँ टूर्नामेंट में। तो गाइस उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उधर 100 सब्सक्राइबर होने पर मैं उधर गिव अवे करा दूंगा और टूर्नामेंट रहेगा वो सिंपल, उसमें 50 बंदे पार्टिसिपेट होंगे जो लकी रहेंगे और उनमें से जो जीतेगा उन्हें मिल जाएगा DJ आलोक। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्ट खत्म। तो यहाँ पे देखो गाइस, आप ही देखो और बताओ मैंने किस गन से ज़्यादा किल किए, कमेंट करना। और कौन सी गन यहाँ पे अच्छी तरीके से चल रही है वो भी कमेंट करो। मैं यहाँ पे केली का स्किल यूज़ कर रहा हूँ, जोसेफ का स्किल यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे शॉर्ट गन का मैं स्किल यूज़ कर रहा हूँ। मतलब सब जो स्किल यूज़ कर रहा हूँ वो मोमेंट स्पीड बढ़ाने वाली स्किल्स है, इससे मेरा मोमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर कोई एनिमी मुझे डैमेज देता है तो लाइक मेरी मोमेंट स्पीड बढ़ जाती है और जोसेफ से। और केली तो ऑलराउंडर है, मतलब वो उसको डैमेज में से कुछ मतलब नहीं, वैसे स्पीड अपनी इंक्रीज कर देती है चाहे मैं कोई सा भी गन यूज़ करूं। और जो एक और स्किल है शॉर्ट गन का, अगर मैं हाथ में शॉर्ट गन लेता हूं तो भी मेरी मोमेंट स्पीड फास्ट हो जाती है। और गाइस सबको पता ही है मोमेंट स्पीड फास्ट करने के कितने ज़्यादा फायदे हैं, आप इनेमी को जल्दी चकमा दे सकते हो, अच्छे खासे किल दे सकते हो, जल्दी से भाग सकते हो। और मेरे पास आलोक होता तो और ही ज़्यादा मज़ा रहता गाइस, मैं मतलब अदर बंदों से कुछ ज़्यादा ही फास्ट अपना स्पीड कर सकता था, बट आलोक नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, मैं आलोक यहाँ पे मतलब लिया नहीं है मेरे पास, बट मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ गाइस। मैं आलोक यूज़ नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों, मैं वुकोंग यूज़ करता हूँ बिकॉज मेरे को आलोक अच्छा कैरेक्टर तो है बट एक्टिव स्किल के मामले में मुझे वुकोंग ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं वुकोंग के ऊपर भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते रहूँगा गाइस, और मैंने आलोक के ऊपर भी बनाई हुई है मेरी पिछली वीडियोज़ जाके देखो गाइस, वहाँ पे मैंने सभी गन्स की लगभग बनाई हुई, लगभग
मतलब अभी बना ही रहा हूँ अच्छी खासी, मतलब जो भी है जितनी भी गन्स की बनाए हो, MP40 से भी आप ड्रग किस तरह मार सकते हो मैंने वहाँ पे चला के दिखाया ट्रेनिंग में। क्योंकि गाइस ट्रेनिंग में एक तरह का एक्सपीरियंस होता है कि मैं किस तरह मतलब चला सकता हूँ गाइस, और मतलब क्या सीन है वो चलाने पे कैसा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और आप लोग भी चलाते हो तो मतलब मैं आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ जो आप लोग मतलब नहीं समझ पाते हो, एंड इसलिए गाइस मैं आप टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। और गाइस MP40 मैंने चलाया है, और गाइस मैं आपको बता दूँ अगर आप MP40 या ये दोनों में से चूज़ करना चाहते हो कौन सी गन अच्छी मतलब चला सकते हो तो मतलब मेरी वो वाली वीडियो जाके देखो, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है M8087, तो ये दोनों जाके देखो और आपको पता चल जाएगा कौन सी गन आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सी गन अच्छी है। और गाइस अदरवाइज़ मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, जो अगर आपका डिवाइस है उसके हिसाब से आप गन सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे डिवाइसेस में होता है आपको वन टैप मारने के लिए मतलब ड्रैग सबसे बेस्ट होता है, तो MP40 में ड्रैग बहुत जल्दी होता है आपको बता दूँ। ड्रैग के लिए MP40 बेस्ट है गाइस, बेस्ट है, एकदम मस्त गन है अगर आप ड्रैग मारना चाहते हो तो। लेकिन गाइस एक और बात है, ड्रैग इससे ही पड़ता है, इससे मतलब वन टैप मारने में होता है गाइस, नहीं तो इसमें भी एक दो गोली हेड पे चिपक जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा जहर काम कर देती है लाइक ड्रैग के। और M1040 में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिकॉज वो उतनी ड्रैग और हेडशॉट उसका रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ड्रैग मार पाओगे आप ना कुछ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। तो गाइस आपको पता ही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस के आप करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज अपनी हर चीज़ को कर सकते हो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ दिन भर आप खेलो प्रैक्टिस में, कुछ नहीं गाइस, बस 5 मिनट कर लो अपना इंक्रीज बनाने के लिए, इसमें टीम अप हो आप कुछ मत करो, क्योंकि मैं देखता हूँ ना गाइस यहाँ पे टीम अप करने लगते हैं बंदे तो गलत सीन हो जाता है। डोंट टीम अप, अपना प्रैक्टिस करो, वन टैप मारने की कोशिश करो, मैंने अभी भी मारने की कोशिश की है और आप लोग देख ही सकते हो गाइस, और आप डिसाइड कर लेना कौन सी गन अच्छी है। और गाइस मैं यहाँ पे और भी अगर पॉइंट वाइज की बात करो तो मतलब दोनों गन काफ़ी अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ M1040 बेकार रखी हुई, बिकॉज जो M1040 अच्छे से चला लेते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है, बट MP40 की बात की जाए तो उस शॉर्ट रेंज में M1040 और M87 दोनों से मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लो है। बट M8087 का एक और बात है कि गाइस अगर आप मार रहे हो किसी बंदे को, सामने MP40 लिया उसे मारते हो, उसकी पावर आप सीरियसली घट जाएगी, अगर आपके पास कवर नहीं है आपकी गन रिलोड कर रही है ना, तो उस टाइम पे MP40 वाला आपको मार सकता है। बट M1040 में क्या सीन है, आप अगर क्लोज रेंज में फाइट कर रहे हो ना तब M1040 काफ़ी बेहतरीन गन है, जैसे आप घर वर में जा रहे हो वहाँ पे क्लोज रेंज में फाइट हो रही है स्क्वाड है, तो वहाँ पे आप M1040 का अच्छे से यूज़ करके मार सकते हो सबको। बट MP40 उस पर अच्छे से नहीं चलेगी, MP40 वाले को आप इजीली मार सकते हो M1040 से, बट अगर थोड़ी सी भी दूरी घटती है बढ़ती है ना तो M1040 कहाँ पे आप देख ही सकते हो क्या बेकार डैमेज हो जा रहा है M1040 का, उससे अच्छा M8087 का है। तो गाइस मैं आपको सलाह दूंगा कभी भी ये दोनों गन में से अगर कंपेयर आपको करना हो M1040 और M8087, अगर आप नए हो और चलाना चाहते हो ना तो ये दो गोली वाली को ही चलाओ M8087, क्योंकि मैं भी इसके साथ हूँ, आप बिना स्किन के भी ये बहुत अच्छी गन है, अगर आप ड्रैग मारना इसे सीख गए ना तो मतलब अलग ही लेवल का आपका गेम प्ले हो जाएगा, मतलब एकदम लाइक हैकर आप बहुत अच्छे से खेल पाओगे इससे। और ज़्यादा करके आप लोग देखते ही होंगे M1040 का जो रिलोड स्पीड स्लो है, बट M8087 का रिलोड स्पीड काफ़ी अच्छा है दो गोली वाले का, तो उससे आपका जल्दी हेड बैठता है, और गाइस उसकी एक्यूरेसी सब कुछ अच्छी है। और गाइस यही सब है, मतलब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ इस पर, मतलब आपको समझा रहा हूँ उसके बारे में कि मतलब यही है कि मैं आपको यहाँ पे दोनों गन में से कौन सी अच्छी है इसके ऊपर मुझे बनाना था, तो मैं यही दोनों बना रहा हूँ कि कौन सी गन आप यूज़ करो, कौन सी गन ज़्यादा बेटर अच्छी है, वो बेटर एक्सपीरियंस आपको देती है, गेम प्ले का अलग ही मज़ा देती है। यहाँ पे देखो मारा गया, रिलोड आने पे ही आप इस पे मतलब मारे जाओगे, अदरवाइज़ अगर मैं अगर ड्रैग की बात करें तो मैं कौन सी गन यूज़ करना पसंद करता हूँ, वैसे ट्रेनिंग में गाइस मतलब मैं अगर क्लासिक वगैरह खेलता हूँ तो वहाँ पे यही दो गोली वाली उठाता हूँ, बिकॉज उस टाइम क्लासिक में कवर ज़्यादा रहता है क्लासिक रैंक वगैरह में, बिकॉज वहाँ पे मैं दो गोली मार के कवर में जाके रिलोड कर सकता हूँ। बट MP40 यूज़ करने पे रहता है गाइस, मैं MP40 से अच्छा ड्रैग मार सकता हूँ गाइस, मेरे को पता है अगर मैं ये दो गोली वाली और वो दोनों में से अच्छा कौन सा चला सकता हूँ तो वही मैं चला सकता हूँ, बिकॉज मेरा एम उस पर बहुत जल्दी चिपक जाता है MP40 साइड पे। तो यही है गाइस, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और जितना हो सके शेयर कर दो, और गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब ये दोनों में से कौन सी गन अच्छी लगी आपको कमेंट करना और शेयर जरूर से कर देना, और मेरी पिछली वीडियोस जाके नहीं देखे हो तो जाके जल्दी से देखो गाइस, चैनल पे पड़ी हुई है यार कोई देखता नहीं है। और गाइस शेयर भी कर दो कि आपके दोस्तों को भी पता चले, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, बस इतना ही है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।